शांति 19 तारीख के महावाक्य मीठे बच्चे सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता, याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न है, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है? जवाब है, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, यही होना रखो। बाकी सब बातों में जाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है जिससे वे आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं, ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीरथवासी हैं। कई सच्चे ब्राह्मण भी हैं, कई झूठे ब्राह्मण भी होते हैं। आज सच्चा है, कल विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। सच्चे वह हैं जो कभी भी शूद्र ना बने। इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर तो होते ही रहेंगे। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं, यह पक्का पक्का अभ्यास कर लो। हर एक को बाप का परिचय देना है और समझाना है। बाप आकर के बेहद का सुख देते हैं, इसलिए हमें अपनी आसुरी आदतें मिटा देनी है। हर एक पूछे मेरी अवस्था कैसी है। रॉन्ग से राइट बनाने वाला तो एक बाप ही है। नशे में रह सबको बाप का मैसेज देते चलो। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। पहली पहली बात, श्री बाबा को जान लो। हरेक अपने दिल से पूछो, बाबा को कितना याद करता हूँ। बाबा को याद करने से अंदर में बहुत खुशी होगी। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। बच्चे भी विचार सागर मंथन करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी करता है, शिव बाबा को तो विचार सागर मंथन करना नहीं है। मूल बात, जास्ती टॉक में नहीं जाना है। यहाँ तुम्हें ज्ञान का दूध मिलता है, इसलिए तुम्हें किसी से भी जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा बिंदु है, सच्चा सच्चा पवित्र बनना है। कभी पतित बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। बाबा जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। वरदान है आज का, प्रवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने वाले सब खेल की तरह सहज अनुभव करेंगे, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। आज का स्वमान है, मैं निरंतर योगी हूँ, मुझे आत्मिक दृष्टि से सबको देखने का अभ्यास करना है। ओम शांति।